देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। जिला चित्रकूट ब्लॉक मऊ है, गांव खंडेहा है, मजरा हिरनपुरवा है। सरकार के तरफ से बुंदेलखंड पेयजल योजना तो पूरा हो गया है, लेकिन गाँव में इस तरह की स्थिति देखा जाए, अभी यहाँ जल निगम के तरफ से ना पाइप लगा है ना टोटी लगा है। यहाँ लगभग हजारों के बस्ती है, दो हैंड पंप है, इस तरह की लाइन लगती है, लोगों को लाइन लगा के पानी भरना पड़ता है। यहाँ अभी तक का टोटी वाला सप्लाई नल नहीं लगा है, लोगों को समस्या होती है। गर्मी के सीजन में यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पानी भरने जाना पड़ता है, इस तरह की स्थिति है। पानी भरने में जो बम्बा नशा जाता है तो कहीं कहीं से लाते हैं पानी, कहीं बम्बो, कहीं ओह टोला से, कहीं पटोले से, कहीं बोर ओर, तो कोई केहू के चला तो दीत पानी नहीं नहीं दी भाई। वो बोर कराए अपने बड़े गरीबन को तो नहीं कराए भाई, पैसा लगाए हैं। जब गरीबन का सरकार ही नहीं रोजना का उन्होंने दई रहा तो बताओ दूसर को दे। कितनी जनसंख्या है यहाँ की? अरे यहाँ मान के चलो हो 200-300 आदमी से कम नहीं है ना, 400-500 है। हमारे पच के तो पैसा है नहीं यहाँ बहन जी की, हम हूँ चली बड़े आदमी हैं तो सब कुछ करा ले। तो यहाँ बुंदेलखंड पेयजल योजना के तहत से टोटी लगा है घर का? नहीं लगा। क्या वजह से नहीं लगा और किस तरह की दिक्कतें होती है पानी की? इस वजह से नहीं लगा, यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है, जो आते हैं तो अंते अंते लगवा के चले जाते हैं, यहाँ कोई योजना ही नहीं आ पा रहा है। नल लगना चाहिए थे, यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं, पाइप ही नहीं बिछा है, कुछ नहीं बिछा है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। और समझ लो नहाने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है, करें तो क्या रहें क्या। हमारे लिए सुविधा सरकार दे रही है, अगर देगी तो हम उसको स्वीकार करेंगे, अगर देती है बीच वाले खा जाते हैं तो हम कहाँ से पाएंगे बहन जी। गांव के पास कहाँ तक का पाइप आया है? पाइप बहन जी नहीं आया, खाली गड्ढा भर खोद गया है, बस इतना है बहन जी, हिरनपुर इतने लगता है। हम तो यही कह रहे हैं कि हम भी सुविधा चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पे पानी जैसे आ रहा है, यहाँ लक्ष्मीपुर है, खंडेहा है, सब चीज़ का हम भी सोच रहे हैं कि हमारे दरवाजे पे रहे। हम भी सोच रहे हैं कि कहीं कहाँ जाएं, एक हैंडपम्प लगा है तो उसमें हम कितना सारा दिन, इतने बस्ती है 40-50 आदमी, कहाँ तक हम लोग वो कर सकते हैं। हम संतोष करते हैं, हमारे पानी के लिए दिक्कत है, हर चीज़ के लगा है बम्बा खाली, उसी में हम वो कर रहे हैं, बिता रहे हैं। गांव में पाइप बिछ रहा था तो आप लोग आवाज नहीं उठा कि हमारे भी पूर्व में लगना है? अब उतना दीदी हमारे औकात नहीं है कि हम दूसरे, हमसे बहुत बढ़ के है तो हमसे क्या सब वो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से पेयजल योजना पूरे ग्राम पंचायत में पूरा हुआ लेकिन हाँ, इस गांव में नहीं हुआ, वही तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते दीदी, जैसे पूरा गांव बस्ती में दे रहे हैं आप, हर गांव में दे रहे, ग्राम सभा में दे रहे हैं, तो हमारा तो वही है, जैसे खंडेहा ग्राम सभा हमारा 6-5 गाँव है, एक प्रधान है, और हमारा तो ये तो हम सोच रहे जैसे आस पास दे दिया तो कहीं हमारे गाँव पे नहीं देना चाहिए। वो एक्चुअली जब ये योजना बनी थी उस समय योजना बनाने में ही इन गांवों को छोड़ दिया गया था, वो इसलिए छोड़ दिया गया था बनाने में, केवल जो मेन गांव थे उनको लेना था उसमें, इस वजह से इनको छोड़ दिया गया था। बाद में मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश भी दिए गए थे तो कुछ गाँवों को मतलब पुनः पाइपलाइन डाल करके पानी सप्लाई की व्यवस्था की गई थी, लेकिन फिर भी अभी बहुत से मजरे रह गए हैं जो सम्मिलित नहीं थे, उसमें पाइपलाइन नहीं डाली गई थी, लेकिन अब आगे जल जीवन मिशन के तहत जो बचे और भी मजरे बच गए हैं उनमें पाइपलाइन डालकर पानी सप्लाई व्यवस्था की जाएगी। जो मजरे में लगा भी है तो वहाँ पानी नहीं जा रहा, लोगों को ये कहना है कि जब लगा था तो एक महीना पानी आया, इसके बाद नहीं जा रहा, जैसे अर्जुनपुरवा है। नहीं नहीं ये तो कहना गलत है, जब एक महीने गया था तो अभी भी जा रहा है। हाँ इस समय ये है कि इस समय कुछ बिजली की दिक्कत है जिसकी वजह से हो सकता पानी न जा पा रहा हो हर टाइम या हर दिन, तो उसके लिए हम बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी ही पानी की व्यवस्था हो जाएगी बिजली ठीक होने पर। उसमें ये है जैसे मऊ में
55 गांवों के लिए ये योजना थी और बरगढ़ के 35 गांवों की योजना थी, लेकिन मुख्यतः इनसे इनमें बड़े बड़े गांव ही लिए गए थे जैसे राजस्व गांव, बाकी अन्य गांवों को छोड़ दिया गया था, छोटे मजरों में नहीं लगना था। हाँ हाँ, समस्या तो खैर है, पूरे बुंदेलखंड में है, तो जो उन योजनाओं में छूटे हैं गाँव उनको जल जीवन मिशन योजना आई है उसके तहत पूरा किया जाएगा, उनको पाइपलाइन डाल करके पानी की सप्लाई दी जाएगी। कब तक शुरू होगा सर ये बस एक साल में शुरू होने वाला है, एक साल के अंदर ही काम शुरू हो जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।